आज हम बात करेंगे नोटिस के संदर्भ में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट की, अरुणाचल के संदर्भ में हम बात करेंगे आर्टिकल 371H की और भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे ऑटोनॉमस काउंसिल्स की। नमस्कार, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट और आर्टिकल 371H की जानकारियां दूंगा, तो वादे के मुताबिक आज मैं आपके सामने हूं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमें बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट की बात करनी हो तो हमें 1873 से पहले घटी कुछ घटनाओं को जानना होगा। दरअसल 1826 में ट्रीटी ऑफ यंडावू साइन हुई, इसके बाद असम एक ब्रिटिश राज्य बन गया। असम के ब्रिटिश राज्य में आने के बाद ब्रिटिश नहीं चाहता था कि असम के लोग या ब्रिटिश सब्जेक्ट पहाड़ों में बसे उन ट्राइबल्स के संपर्क में आए। इसके मुख्य तीन कारण थे। सबसे पहला कारण था, ब्रिटिश को पता चल गया था कि पहाड़ों में बसे उन ट्राइबल्स को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना इतना आसान नहीं है। दूसरा कारण था, उन्हें अपने ब्रिटिश सब्जेक्ट को पहाड़ों के उन ट्राइबल्स के एग्रेशन से बचाना। और तीसरा कारण था कि गैरकानूनी तरीके से जिस तरह से टिम्बर और बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग हो रही थी, उन्हें रोकना था। इसीलिए आर्थर हब्बस ने 1873 में इनर लाइन परमिट यानी ILP या फिर आप कहिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट को कंसेप्चुलाइज किया। ये अगस्त 27, 1873 को एनेक्ट हुआ और 1 नवंबर 1873 से लागू होना शुरू हो गया। इस प्रावधान के अनुसार जब भी किसी ब्रिटिश सब्जेक्ट को उन एक्सक्लूडेड एरियाज में जाने की जरूरत पड़ती थी, तब उन्हें सरकार से एक अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके लिए जो मैंने मुख्य तीन कारण बताए हैं, उसमें से दूसरा कारण बहुत ही अहम था, इसकी भूमिका बहुत ही अहम थी। क्योंकि ब्रिटिश एडवेंचरस नेचर के होते थे, वे जब भी इस क्षेत्र में आते थे तो उन्हें एक्सक्लूडेड एरियाज में जाने की आदत थी एडवेंचर के लिए। अब जब भी वे जाते थे और जब भी उनकी मुलाकात किसी ट्राइबल कम्युनिटी से हो जाती थी तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाया करती थी, क्योंकि ट्राइबल्स बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में देखना पसंद नहीं करते थे और ये नेचर आज भी बहुत थोड़ी बहुत हमारे खून में देखी जा सकती है। जिस एक्सक्लूडेड एरिया की हम बात कर रहे हैं, वो ब्रिटिश द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर मिजोरम तक खींची गई एक लाइन के बाहर क्षेत्र था। दिस लाइन वॉज एक्चुअली नॉट स्टैटिक। नॉर्थ ईस्ट में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का दायरा कामरूप, नगांव, शिवसागर, दारंग, लखीमपुर, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जंतिया हिल्स, नगा हिल्स, कच्चर, गोलपारा, मुकुकचंग, सरिया फ्रंटियर ट्रैक, बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक और नेफा तक था। आज़ादी के बाद हमारी नीतियां बदल गई, हमारे देश की नीतियां बदल गई, इसीलिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का दायरा सिमटकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम तक ही रह गया। लेकिन 2019 11 दिसंबर को मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट के दायरे में लाया गया। और ये बात गौर करने वाली है कि इनर लाइन परमिट का जो सिस्टम है वो सिर्फ नोटिस में ही मौजूद है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भले ही बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से रक्षित हैं, लेकिन नागालैंड और मिजोरम को संविधान से अलग प्रावधान दिए गए हैं जिससे वे अपनी परंपरा की रक्षा कर सकते हैं, अपनी जंगलों की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। दरअसल नागालैंड आर्टिकल 371A और मिजोरम आर्टिकल 371G से रक्षित हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में संविधान में जो आर्टिकल 371H है, जिसके तहत अरुणाचल को गवर्न किया जाता है, इसका शासन किया जाता है, उसमें इस तरह की रक्षा की कोई बात नहीं है जिससे हम अपने कस्टमरी लॉज, सोशल लॉज या फिर हमें अपने जंगलों की इनहेरिटेंस का कोई भी हक हो, ऐसा कोई प्रावधान वहां नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो अरुणाचल प्रदेश में अपनी परंपरा, जमीन या सांस्कृतिक संपत्तियों को रक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 371H में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ये बात आप अपनी जहन में अच्छी तरह बिठा लें। अभी तक जितनी भी सुविधाएं, जितने भी प्रावधान हमें मिल रहे हैं, वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत ही मिल रहा है। जिस दिन टूरिज्म और विकास के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट को हटा दिया गया, तो हमें हमारी जमीन पर, हमारी संपत्तियों पर कोई भी ट्राइबल हक नहीं रहेगा। सीधी बात है कि ट्राइबल होने पर भी आपको अपनी जमीन पर हक तब तक नहीं होगा जब तक संविधान आपको ये सुविधा, ये प्रावधान नहीं देता। एंड दिस इज द वेरी ट्रू फैक्ट दैट द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश मस्ट नो, as because it is not protected by such articles as Article 371A as Nagaland and Article 371G as Mizoram.
ट्रैवल एरियाज की इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 के मुताबिक 5th और 6th शेड्यूल दिए गए हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, मेरी पिछली वीडियो में इन्हीं बातों पर मैंने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी जानकारी आपको हासिल होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। दरअसल ट्रैवल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए 5th और 6th शेड्यूल को बनाया गया है। 6th शेड्यूल के अनुसार असम में 3, मेघालय में 3, मिजोरम में 3 और त्रिपुरा में 1 ऑटोनॉमस काउंसिल गठित की गई है, जो उन विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए काम करते हैं। अब अगर राज्य सक्षम है, उनकी अपनी आमदनी अच्छी है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर से भी 6th शेड्यूल को छोड़कर अपने राज्य में ऑटोनॉमस काउंसिल्स का गठन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य को आत्मनिर्भर होना होगा, अपनी आमदनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उस ऑटोनॉमस काउंसिल्स का ख्याल खुद रखना होगा। तो अभी इसके मुताबिक फॉर एग्जाम्पल असम जो एक सक्षम राज्य है, उनकी आमदनी अच्छी है, उनके रिसोर्सेज अच्छे हैं, 6th शेड्यूल में असम को 3 ऑटोनॉमस काउंसिल्स तो मिले ही हैं। इसके अलावा असम के अपने स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर से 9 अन्य ऑटोनॉमस काउंसिल्स क्रिएट किए हैं। इस तरह मणिपुर में 6, वेस्ट बंगाल में 1 और लद्दाख में 2 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं। तो हमारे देश में कुल मिलाकर 25 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, जिसमें से 10 6th शेड्यूल के मुताबिक हैं। अब बात घूम फिर कर वही आती है, कोई भी राज्य जो कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, अपनी आमदनी अच्छी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो स्टेट लेजिस्लेशन से ऑटोनॉमस काउंसिल क्रिएट कर ही नहीं सकता, और अगर क्रिएट कर भी लेता है तो वो किस आधार पर उस ऑटोनॉमस काउंसिल का ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी आमदनी ही नहीं है। इसीलिए किसी भी राज्य को जो कैपेबल नहीं है, अगर ऑटोनॉमस काउंसिल क्रिएट करनी हो तो मेरी समझ से उन्हें सेंटर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। यानी 6th शेड्यूल के अंदर ही ऑटोनॉमस काउंसिल क्रिएट किया जा सकते हैं, जिससे सरकार यानी केंद्र सरकार उस स्टेट की उस राज्य की मदद कर पाएंगे। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसे राज्य कैसे स्टेट लेजिस्लेशन से ऑटोनॉमस काउंसिल क्रिएट कर उनका ख्याल रख सकते हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, इनकी इनकम बाकी पिछले कई सरकारों से अच्छी है। इनकी इनकम करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है, वहाँ स्टेट लेजिस्लेशन द्वारा ऑटोनॉमस काउंसिल्स का गठन करना जरा सा नामुमकिन सा लगता है। कुछ कारण है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश खुद सक्षम नहीं है, खुद कैपेबल नहीं है, इनकी आमदनी खुद इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ हर वर्ग पिछड़ा हुआ है। तो आप किन बिंदुओं पर किन वर्गों को ऑटोनॉमस काउंसिल्स प्रदान करेंगे, ये एक सवालिया निशान इन सोच पर पैदा करता है। तो मेरी समझ और मेरा विश्लेषण यही कहता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में ऑटोनॉमस काउंसिल्स के गठन करने हों, अगर इसके प्रोविजंस यहाँ लाने हो, तो हमें कुछ जायज कदम उठाने होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में लाने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 371H में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, कुछ ऐसे संशोधन ला सकते हैं, जिससे अरुणाचल प्रदेश में ऑटोनॉमस काउंसिल्स क्रिएट करने के प्रोविजन आ जाए, या ऑटोनॉमस काउंसिल्स क्रिएट किया जा सके। जहाँ तक आर्टिकल 371H की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 371H में सचमुच थोड़ी सी तब्दीली लाना ज़रूरी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अगर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट उड़ जाता है, तो आर्टिकल 371H से बिल्कुल ही रक्षित नहीं है। इसकी सांस्कृतिक परंपरा या फिर वन जैसे चीज़ों की रक्षा हमारे हक में नहीं होगा, ये पूरी तरह से सरकार की हो जाएगी। यानी ट्राइबल होते हुए भी अगर आपको संविधान वो इजाजत नहीं देता, तो ये प्रॉपर्टीज आपका नहीं है, इस पर आपका कोई हक नहीं है। और जहां तक आर्टिकल 317H का सवाल है, इसके प्रावधानों से अरुणाचल प्रदेश जैसे ट्राइबल स्टेट को जितने फायदे मिलने थे, शायद उतना फायदा नहीं मिलता। इसीलिए इसमें कुछ तब्दीलियां राज्य के लिए सकारात्मक साबित होगी। तो आशा करते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आर्टिकल 371H और ILP की जितनी भी जानकारियां आपको जाननी थी, इस वीडियो में मैंने प्रदान कर दी है। अगर आपको थोड़ा कुछ जानना हो तो पिछली वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, 5th और 6th शेड्यूल के डिटेल्स मैंने उस वीडियो में भी दे दी है, और जैसे कि मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस लिंक को दे दिया है। देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए।